हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्नेक रेस के बारे में जो हमारे जीटीओ में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्नेक रेस। स्नेक रेस या इसको हम ये भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। क्या बोलते हैं इसको? GOR बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म, जिसका नाम होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। जैसे अब तक जो भी हमारे टास्क हो रहे थे जीटीओ के अंदर, वो एक विद इन ग्रुप कंडक्ट किया जा रहा था। जैसे तुम्हारा जो भी ग्रुप था, ग्रुप का जैसे स्ट्रेंथ था, जैसे 7 थे या 8 मेंबर्स थे तुम्हारे ग्रुप में, राइट, तो वो तुम्हारे ग्रुप के अंदर ही हो रहा था। बट जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है ना, वो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली 2 या 3 ग्रुप्स होते हैं, जिसके देखो यहाँ पे जैसे नाम क्या है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तुम्हारे ग्रुप का रेस किया जा रहा है, मतलब एक ग्रुप का रेस दूसरे ग्रुप के साथ, और ये टास्क सबसे मोस्ट एंटरटेनिंग होता है। और बेसिकली अगर इस टास्क की बात करेंगे ना, तो सिर्फ ये आर्मी एसएसबी या नेवी में ही कंडक्ट किया जाता है। मेरे को सिर्फ आर्मी का पता है, आर्मी में तो ये कंडक्ट किया जाता है। वेर एज एयरफोर्स में जब हम गए थे, वहाँ पे ये कंडक्ट नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, कि हमें नेक्स्ट डे, हमारा तो 5 डे प्रोसीजर था ही था, और हमें 6 डे पे हमारा CPSS भी था, तो इसके वजह से हमारा जो GOR है ना, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, वो कंडक्ट नहीं कराया था बेसिकली। बट ये जो आर्मी बोर्ड्स में ना, ये जरूर होता है, और जैसे मैंने सुना है ये बहुत एंटरटेनिंग टास्क होता है। ठीक है, तो बेसिकली इधर क्या होता है, एक काइंड ऑफ ना लॉन्ग रोप, ऐसे कोई भी एक स्ट्रक्चर दे देते हैं जो रिजेंबल करता है तुम्हारा स्नेक से। क्या कर देंगे वो, एक बड़ी सी गद्दी होगी, राइट, वो तुम्हारी ना, वो जो बड़ा होगा ना, वो इन द फॉर्म ऑफ स्नेक, जैसे तुम्हारा स्नेक लंबा होता है ना, वो इसी कुछ फॉर्मेट का होता है। ठीक है, और वो क्या बोल देंगे, ये कुछ ऐसा टाइप होता है, और कैंडिडेट्स को ना इसको उठा के चलना होता है। ठीक है, कैंडिडेट्स इसको उठा के चलना होता है। ठीक, अब इसके अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स इसको उठा के चलते हैं। ठीक है, अब इसमें ना कैंडिडेट्स कुछ पता है। अब इधर रूल क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारे कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, टोटल ऑब्स्टिकल्स होते हैं 8 ऑब्स्टिकल्स, पहला ऑब्स्टिकल, दूसरा ऑब्स्टिकल, तीसरा ऑब्स्टिकल, चौथा, और ऐसे लाइन में ना ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जो ग्रुप सबसे पहले सारे ऑब्स्टिकल पार करके लाइन क्रॉस कर लेते हैं ना, फिनिश लाइन, जो भी ग्रुप ये सारे जो 8 के 8 ऑब्स्टिकल क्लियर करके फिनिश लाइन क्लियर कर लेती है ना, वो हो जाती है ग्रुप की विनर, वो ग्रुप कहलाती है विनर। ठीक है, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी ग्रुप जीत रहा है, उसी में से बच्चे रिकमेंड होंगे। बेसिकली काइंड ऑफ फन एक्टिविटी जो तुम्हें कंडक्ट कराई जाती है, और इसके अंदर से भी कुछ क्वालिटीज पता चलती है कि क्या जो भी कैंडिडेट है वो अग्रेसिव तो नहीं हो रहे टास्क के टाइम पे, क्या वो उसको एकदम जिस वे में हमें लेना चाहिए उसी वे में ले रहे हैं, वो कोऑपरेट कर पा रहे हैं या नहीं, किसी पे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ क्वालिटीज है जो इस टास्क के थ्रू भी पता चलती है। तो यहाँ पे ना रूल फॉलो होता है, और वो ये रूल होता है कि जब भी कैंडिडेट्स कोई ऑब्स्टिकल को पार कर रहे हैं ना, मिनिमम तीन कैंडिडेट्स इस जो स्नेक लाइक जो दिख रहा है ना तुम्हें स्ट्रक्चर, उसको पकड़ के रहना होता है। कितने? मिनिमम 3 कैंडिडेट्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे कैंडिडेट्स ऑब्स्टिकल पार करने में लग गए। ठीक है, मिनिमम तीन कैंडिडेट्स को इसको पकड़ के रखना होता है। ठीक है, अगर तुम कोई भी थर्ड कैंडिडेट छोड़ दिया तो एक फाउल काउंट किया जाता है। ठीक है, मेक श्योर यहाँ पे एक रूल होता है, मिनिमम 3 कैंडिडेट्स शुड होल्ड दिस स्ट्रक्चर, ओके, विच रिजेंबल्स लाइक अ स्नेक। बस इसके बारे में इतना ही था। और मेक श्योर ये जो एक्टिविटी ना एकदम फन एक्टिविटी, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा ग्रुप जीत नहीं रहा तो तुम्हारे से रिकमेंड नहीं होंगे यार, जो केपेबल है ना वो रिकमेंड तो होने ही वाला है। और बस ये रूल है, एज सच यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या तुमको कुछ ऑलरेडी इधर प्रिपेयर करने की जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम खुद की फिजिकल फिटनेस पे वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि जब तुम फिजिकली फिट रहोगे तो तुम कोई भी ऑब्स्टेकल को आराम से क्लियर कर लोगे। बस यहाँ पे एक चीज की जरूरत है, दैट इज यू मस्ट बी फिजिकली फिट। ठीक है, फिजिकली फिट मतलब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है या तुम्हारे पास स्टैमिना है ये सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने का। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो।